नमस्कार प्यारे साथियों, तो लाए हैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। पुलिस ने चौथी बार हासिल किया WCTNS में पहला स्थान, गृह मंत्रालय ने किया सम्मानित। हिमाचल पुलिस ने वर्ष 2023 के लिए अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग और सिस्टम WCTNS प्रदर्शन में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में आज आयोजित दो दिवसीय गुड प्रैक्टिसेस WCTNS ICJS के वार्षिक सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश पुलिस को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पुलिस विभाग को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में WCTNS प्रदर्शन में लगातार चौथे वर्ष पहले स्थान पर रही है। शिमला में रात का तापमान प्रदेश में सबसे ज्यादा, ऊना बिलासपुर कांगड़ा में सुबह शाम बड़ी ठंड। राजधानी शिमला में बुधवार की रात प्रदेश के अन्य स्थानों के मुकाबले सबसे गर्म रही, यानी यहां का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे अधिक रहा। शिमला में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री रहा। ऊना बिलासपुर कांगड़ा में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक ज़्यादा है, इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम चल रहा है। उधर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में कल और परसों बारिश और बर्फबारी के आसार है। 24 दिसंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। मैदानी जिलों ऊना बिलासपुर हमीरपुर और कांगड़ा में कल और परसों धूप खिली रहने का पूरा अनुमान है। मुकेश बोले, सभी नशा मुक्ति केंद्रों की जांच सघनता से करवाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार सभी नशा मुक्ति केंद्रों की जांच सघनता से करवाएगी। जांच की विस्तृत रिपोर्ट बजट सत्र में सदन पटल पर रखी जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी आज सदन में दी। विधायक सुखराम चौधरी और कुलदीप राठौर के हिमाचल में नशे के बढ़ते कारोबार पर लाए गए संकल्प पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार चिट्टे के खात्मे के लिए कृत संकल्प है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के विरोध में सड़कों पर उतरी भाजपा, शिमला में किया प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति पर TMC सांसद द्वारा टिप्पणी व मिमिक्री करने के विरोध में भाजपा सड़कों पर उतर गई है। पार्टी ने आज शिमला में CTO व जिलाधीश कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पार्टी नेताओं ने पहले ADM कानून व्यवस्था तथा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें पार्टी ने कांग्रेस, ईडी, गठबंधन और विपक्ष को अपने इस कृत्य के लिए सार्वजनिक माफी मांगने और ऐसे नेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। विधानसभा शीत सत्र सिर पर पड़ने बांध दूध से भरे बर्तन लेकर भाजपा विधायकों ने किया प्रदर्शन। तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। सत्र के पहले दिन फ्लैक्स के एप्रीन पहने और दूसरे दिन टोकरी में गोबर लेकर भाजपा विधायक विधानसभा में पहुंचे थे। वहीं अब आज भाजपा विधायक दूध से भरे बर्तन लेकर और सिर पर पहने गमछे बांधकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान करीब 20 मिनट सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में प्रदर्शन किया। बता दें, भाजपा विधायकों ने 100-100 रुपए नकद देकर और कुछ एक ने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से दूध खरीदकर भुगतान भी किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी। ठाकुर ने कहा कि कहा गया था कि 80 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध, 100 रुपए भैंस का दूध खरीदा जाएगा। दूध लीटर के हिसाब से बिकता है, जबकि कांग्रेस ने गारंटी देते हुए प्रति किलो गलत कहा था। सियुंता में नाकाबंदी पर कार से 15.49 ग्राम चिट्टा बरामद, पंजाब के दो युवक गिरफ्तार।
चंबा जिला में पुलिस चौकी सियुंता की टीम ने मंदराला पुल के पास एक कार से 15.94 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वहीं कार सवार दो युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस दल ने मुख्य आरक्षी दिलीप सिंह की अगुवाई में पिछले कल रात करीब 10 बजे मंदराला पुल पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक पंजाब नंबर की कार को जांच के लिए रोका गया। कार में दो युवक सवार थे जो कि पुलिस को देखकर घबरा गए। टांडा अस्पताल में जल्द पूरा होगा स्टाफ, टीएमसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री, बोले फरवरी में मिलेगा बजट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में आज नवनियुक्त मंत्री यादवेंद्र गोमा ने अस्पताल का दौरा किया। मंत्री यादवेंद्र गोमा टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टरों, नर्सों व सफाई कर्मचारियों से भी मिले। उन्होंने कहा कि जल्द ही टांडा अस्पताल में स्टाफ व बजट की कमी को पूरा किया जाएगा ताकि मरीजों को आने वाली मुश्किलों का समाधान जल्द किया जा सके। चयन आयोग में नया साल शुरू होते ही खुलेगा नौकरियों का पिटारा, मुख्य प्रशासक ने किया खुलासा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में नया साल शुरू होते ही नौकरियों का पिटारा खुलेगा। पेपर लीक मामले के चलते एक साल से बंद पड़े राज्य चयन आयोग हमीरपुर में अब भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्स एजेंसी के जरिए करवाई जाएगी। बाकायदा इसके लिए खाका तैयार कर अमलीजामा पहनाने की तैयारी है। पहले 1500 पदों पर पायलट आधार पर भर्ती होगी। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के पदों को भरने के लिए भी हामी भरी गई है। हमीरपुर में राज्य चयन आयोग कार्यालय में पहुंचे राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक डॉक्टर आर के परूथी के अनुसार प्रदेश में जल्द नौकरियों का पिटारा खुलेगा और अब भर्ती प्रक्रिया सानन रिपोर्ट के अनुसार आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी। वो पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए काम किया जा रहा है। पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। पर्यटन विकास संशोधन विधेयक सदन में ध्वनिमत से पारित। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2023 को सदन में पारित करने का प्रस्ताव किया गया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रखा। सदन में विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। वहीं सुक्खू सरकार की ओर से तैयार किए गए एक और संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट का राजभवन से इंतजार किया जा रहा है। यह माइनिंग और अन्य कार्यों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने से संबंधित है। चूंकि यह वित्त विधेयक है तो इसे सदन में पेश करने से पहले राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। वहीं अगर मंजूरी मिल जाती है तो कल या परसों सदन में इसके पारण का प्रस्ताव भी किया जा सकता है। मांगों को लेकर गर्जे एचआरटीसी पेंशनर्स, जोरावर स्टेडियम तक निकाली रोष रैली। हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन की ओर से आज विधानसभा शीत सत्र के तीसरे दिन तपोवन के पास प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पेंशनरों ने जोरावर स्टेडियम तक विशाल रैली निकाली। वहीं एचआरटीसी पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं एचआरटीसी पेंशनरों ने पेंशन का स्थायी समाधान, हर माह की पहली तारीख को पेंशन दिलाने, पेंशनर्स के सभी प्रकार के लाभ और लंबी तेरे का एकमुश्त भुगतान सहित 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनर को बढ़ा हुआ पेंशन भत्ता देना, चिकित्सा बिलों का एकमुश्त भुगतान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केसी चौहान ने कहा कि यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।